अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कैनवा सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैनवा को यूज़ करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपली क्रिएटर डिज़ाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके इंस्टाग्राम पोस्ट 1080x1080 साइज इज़ परफेक्ट फॉर दिस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो एक पोस्ट आ जाएगी। बैकग्राउंड चाहिए हमें सबसे पहले, तो आई विल बी सर्चिंग ग्रीन बैकग्राउंड। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया और एलिमेंट्स में, टेम्पलेट्स में नहीं, एलिमेंट्स में ग्रीन बैकग्राउंड जो है सर्च करना है। ग्रीन बैकग्राउंड, सो दिस वन लुक्स गुड। इसको ड्रैग करके इधर ले आओ और सबसे पहले इसको स्ट्रेच करके ना फिट टू कैनवस कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक येलो एलिमेंट की ज़रूरत है, तो आई विल सर्च येलो बैकग्राउंड और लेट मी चेक यहाँ पे, दिस वन लुक्स गुड। इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसे बिल्कुल सेंटर में ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे एक तो इसकी जो विड्थ है हमने वो थोड़ी सी कम करनी है, थोड़ी सी हाइट भी कम करनी है और इसको बिल्कुल सेंटर में ले आओ। कैनवा की एक अच्छी बात है कि आपको गाइड जो है वो साथ साथ प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है अगेन एलिमेंट्स में और स्क्वायर, स्क्वायर में दिस वन लुक्स गुड। इसका मैं कलर बाद में खुद ही चेंज कर लूँगा। यहाँ पे ले आओ इसको और इसको, इसकी जो विड्थ है उसको कम कर दो और हाइट जो है उसको इंक्रीज कर दो। अच्छा, इतना काम करने के बाद कैनवा के अंदर एक शॉर्ट की है कॉपी क्रिएट करने की। अब इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा जूम कर सकते हो आप इसके अंदर। ऑल्ट की प्रेस कर लो और ड्रैग कर लो, शिफ्ट की साथ प्रेस करोगे तो वो एक सिमेट्री के अंदर इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इतना काम कर लेने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे फूड टेबल, फूड टेबल सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में टेबल्स आ जाएंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे टेबल वाला जो एक एलिमेंट है और फोटोज़ में जाके, अच्छा लेट मी चेक यहाँ पे कौन सा वाला टेबल सही रहेगा हमारे लिए। कुछ ऐसा टेबल चाहिए थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो और थोड़ा सा विंटेज टच भी दे रहा हो। टेबल टॉप सर्च कर लेते हैं, नहीं ये इस तरह का टेबल चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो उसका रिमूव चाहिए। सो गोइंग बैक टू टेबल और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी विड्थ इंक्रीज कर दो और स्ट्रेच कर लो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे ला के इसको फिट कर दो, ठीक है, लुक्स गुड टू मी। यहाँ पे जाके अब सर्च करो बर्गर, ये वाला बर्गर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब इसका साइज़ जो है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दो। ओके, अब आ जाती है बारी टेक्स्ट की। टेक्स्ट पे आ जाओ और यहाँ से देख लो कि आपको टेक्स्ट का यहाँ से कोई स्टाइल पसंद आता है तो उसको चूज़ कर लो। थोड़ा सा यहाँ पे रेट्रो टच देना चाह रहा हूँ मैं, तो रेट्रो सर्च करके देख लेते हैं अगर कोई रेट्रो फॉन्ट मिलता है तो। लेट्स सी, इसको चूज़ करके देखते हैं कैसा रहता है ये। अच्छा, इसका कलर चेंज करेंगे हम यहाँ से। और अगर आपने कैनवा की बेसिक क्लासेस मिस कर दी हैं तो सबसे पहले जाके उनको देखिए, तब आपको इसकी समझ आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अच्छा, ये फॉन्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आई विल बी गोइंग विद दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शेडो ऐड करना है टेक्स्ट को, थोड़ा सा पॉप करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए इफेक्ट्स में जाओ और शेडो के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। शेडो का कलर चेंज कर दो, अभी ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पिक कर रहा, इसको थोड़ा सा ब्लर कर दो, ठीक है। टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज कर दो और उसके बाद इसको थोड़ा सा मतलब लिफ्ट करना है हमने ओवरऑल टेक्स्ट को ना। अच्छा, यहाँ पे अब इसका जो सपोर्टिंग टेक्स्ट है उसके लिए अगेन मैं टेक्स्ट की एक लेयर लूँगा यहाँ पे और सिंपली सब हेडिंग, ठीक है, स्पेशल
और फॉन्ट इसका हम रखेंगे कोई स्क्रिप्ट फॉन्ट चाहिए मुझे यहाँ पे। ओके दिस वन लुक्स गुड, ये अच्छा लगेगा यहाँ पे। ओके इन दोनों टेक्स्ट को शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले आए और साइज इनका थोड़ा सा मैंने और इंक्रीज कर दिया है, सेंटर अलाइन कर दिया। अच्छा कुछ चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, उनको ऐड कर देते हैं। आप आ जाएं एलिमेंट्स में और यहाँ पे स्क्वायर के लिए सर्च करें। अच्छा हमें चाहिए राउंडेड स्क्वायर, सो दिस इज़ राउंडेड स्क्वायर, लुक्स गुड। इसका थोड़ा सा साइज डिक्रीज करें और आपने जो फॉन्ट कलर है वो सेम कर देना है और जो फिल कलर है उसको भी सेम कर देना है। ऐसा हमें यहाँ पे उसकी जो स्ट्रोक है उसकी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट में आ जाएं और ऐड अ सब हेडिंग, यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन हम क्रिएट कर रहे हैं। ओपन सेंस यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्टेड है और ओपन सेंस को थोड़ा सा बोल्ड करना है हमने, ठीक है। इसको यहाँ से लिफ्ट करें और यहाँ पे ले आएं। ऑर्डर नाउ का साइज थोड़ा सा और कम कर दें, कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा जूम इन कर लें। लेट से इसको भी अगर शेडो ऐड कर दिया जाए बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके जूम आउट करें, अगेन सब हेडिंग ऐड की मैंने, फोर मोर कॉलस। इसको भी कंट्रोल ए प्रेस करके सबको सेलेक्ट करें, साइज इसका कम करें, इसको यहाँ पे लें। अगेन सब हेडिंग और यहाँ पे आप कोई भी डमी फोन नंबर बोल्ड कर दें, इसको भी थोड़ा सा। इफेक्ट्स में जाएं, शेडो में जाएं और शेडो ऐड कर दें थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करें। जी तो इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा कि कैसे क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन किया जाता है यूजिंग कैनवा, और आपने देखा कितना इजीली हमने कुछ क्लिक्स करने के बाद हमने एक अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लिया। आई होप सो आपको समझ भी आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल आंसर यू। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।